एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ओके क्रेडिट चैनल में। और आज बारिश में पहाड़ों के बीच में मेरा बैठने का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि हमें आज एक ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते करते उसे आज अपनी कमाई का जरिया भी बना दिया। और जाहिर सी बात है, जब आप पैशन को फॉलो करते हैं तो आपको मानसिक शांति तो मिलती ही है और एक अजीब सा सुकून मिलता है जो शायद आपको नौकरी या कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करने में नहीं मिल सकता। तो चलिए आज उन्हीं की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप आगे कैसे वीडियोज़ देखना चाहेंगे और बिजनेस को लेकर आपको इस तरह के वीडियोज़ आगे देखने हैं या फिर नहीं, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने कैसे डिस्कवर किया कि ये आपको पसंद है और आपको यही करना है? आई वॉज डूइंग BCA, मतलब BCA के टाइम पे सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड, मतलब वॉल पे थोड़ा बहुत जितना भी ब्लैक काजल से या पेंट मिल गया पेंट से, एंड उस टाइम पे आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब टू BCA के सेकेंड ईयर वाले टाइम पे, एंड देन उस सेक्टर में भी जाके देख लिया, मज़ा नहीं आया, एंड देन आई वॉज लाइक कि कुछ करना है जिसमें मज़ा आए। देन समन टोल्ड मी कि इस चीज़ को भी ऐसा करियर तुम बना सकते हो जो दीवारों पे पेंटिंग्स बना रहे हो, एंड देन आई कॉन्टेक्टेड मतलब आसपास के जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे जो ये सब म्यूरल्स वगैरह बनाते थे, सो फिर आई वर्क विद देम फॉर लाइक 2 ईयर्स, एंड देन हिमाचल आ गया, फिर स्टार्टेड माई ओन फाइंड मी ऑन वॉल्स थिंग, सो खुद ही सारा काम करके। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? हिमाचल का ही हूँ बट पलाबड़ा दिल्ली में ही। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अब शहरों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, और सुकून जो मैं कह रही हूँ कि पैशन को अगर आप फॉलो करते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो उससे बड़ा सुकून नहीं मिल सकता। स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल है इस लाइन में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, तुम्हारे आसपास का ऐसा एटमोसफेयर हो जाता है कि वो तुम्हें मना करते हैं कि मत करो, ये इसमें एक फ्यूचर नहीं है, करियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक कि जॉब में एक बंदा लाइक एक क्रिएटिव फील्ड में एक फ्रीडम नहीं मिलती वो चीज़ के, जो दिल आ रहा है वो करो, सो फिर अपना ही स्टार्ट कर दिया ये सब। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? पेरेंट्स ने बहुत कम सपोर्ट किया, इनफैक्ट दे डोंट इवन सपोर्ट राइट नाउ, इवन दो आई एम अर्निंग गुड। बट अच्छा, अर्निंग गुड की आपने बात की, तो कितना आप कमा लेते हैं महीने का? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आई थिंक ब्रशेज वगैरह पे ही होती होगी, लाइक पेंट्स यूजुअली मैं क्लाइंट के उससे बिहाफ पे लेता हूँ कि क्लाइंट फूड स्टे और पेंट्स वगैरह एंड ट्रैवल एक्सपेंस पे करते हैं, एंड बाकी मेरा बस ब्रशेस का ही है इन्वेस्टमेंट। तो कमाई कितनी कर लेते हैं? मतलब एक महीना अगर प्रोजेक्ट किया तो उसमें भी लास्ट जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें मेरे 35,000 बने थे। एक लोगों में रीच भी, मतलब रीच भी बढ़ानी पड़ती है, सो कि लोगों को पता चले कि हाँ आर्टिस्ट है कोई मार्केट में। रीच आपने कैसे बढ़ाई, लाइक इंस्टाग्राम? आई यूज इंस्टाग्राम एंड लोकल लोगों से आसपास बात करना, सो इंस्टाग्राम के थ्रू ही, फाइंड मी ऑन वॉल्स के थ्रू ही काम आते रहते हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ के शौकीन हैं तो फाइंड मी ऑन वॉल्स पे जाके आप इनको मिल सकते हैं, वहाँ पर आप DM कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई सलाह चाहिए तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ पूछनी चाहूँगी कि लोकेशन मैटर करती है इस काम के लिए? लोकेशन नहीं भी करती, बट एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वैन यू आर वर्किंग लाइक इन दिस फील्ड, अगर मेरे कोई टोके या फिर लाइक कुछ अपना बोले कि ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो, सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्टवर्क पर भी इफेक्ट करती हैं और हमारे मूड पर भी, बट लोकेशन वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करती मुझे, अगर लोग अच्छे मिल जाएं आसपास में। उन यंगस्टर्स के लिए मैसेज जो आपके जैसे हैं और जो चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन को पोर्ट्रे करना, बट सपोर्ट नहीं मिल रहा या फिर पैसे की दौड़ में चले हुए हैं? आई थिंक पैशन एक लोगों को पता नहीं चलता कि उनको खुशी किस चीज़ में मिलती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ पता करो कि खुशी किस चीज़ में मिल रही है, एंड देन उसके लिए उससे रिलेटेड कोई करियर ऑप्शन ढूंढो। काम अच्छा होगा तो प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो पैसा तो होगा ही। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनको काफ़ी दूर दूर से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तमिलनाडु से प्रोजेक्ट्स इन्हें बताया था कि इन्हें मिलते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। तो आप भी अगर इस तरह के शौकीन हैं, आप भी इस तरह की कला को जानते हैं, सिर्फ हाथ का हुनर है ये, और हाथ का हुनर कभी भी खाली नहीं जाता, तो आप भी पैशन को फॉलो कर सकते हैं और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं पैसे के साथ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, इसके अलावा बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।